वेलकम बैक गाइस, दिस इज मधुर गोल्ड एंड यू आर वॉचिंग द सर्च इंजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द सर्च इंजन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक पुराने फोटो नेगेटिव को डिजिटल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और बिना कोई पैसा खर्च किए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है वो एक नेगेटिव होल्डर है, जो हमारे फोटो नेगेटिव को होल्ड करने के लिए काम में आने वाला है, वो वीडियो में आप आगे देखेंगे। इस नेगेटिव होल्डर को मैंने फुली फेस मटेरियल से बनाया। इसमें मैंने यूज किया है एक सीडी, एक पुराना पेन कवर, आप देख सकते हैं, और उस पेन कवर में मैंने एक पुराने रेडियो का एंटीना लगाया है और उस एंटीने के ऊपर एक पुराने ईयरफोन का क्लिप का यूज किया है जो नेगेटिव को होल्ड करेगा। फ्रेंड्स, जो हमें दूसरी चीज चाहिए वो एक फोटो नेगेटिव है जिसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है, और जो दोस्तों तीसरी चीज हमको चाहिए वो एक लैपटॉप है जो जनरली अभी सभी घरों में होता है, और उस आपके उस लैपटॉप के अंदर फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए जिसके थ्रू हम उस नेगेटिव को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये पूरा प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने नेगेटिव को होल्डर पर सेट करना है, वो भी किसी लाइट के सामने। अब देख सकते हैं मैं इसको सेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने मोबाइल से इसका एक क्लियर पिक्चर लेने वाला हूँ जिसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, हमने फोटो नेगेटिव को होल्डर पर ठीक से सेट कर लिया था। अब उस नेगेटिव का हमें फोटो क्लिक करना है अपने मोबाइल से। अब देख सकते हैं फोटो मैंने क्लिक कर लिया है। अब इस फोटो को हम थोड़ा सेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने से ये थोड़ा अपने प्रॉपर साइज और लेंथ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये सब हमें मोबाइल में ही कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्रॉप करने के बाद। इस एडजस्टमेंट में हमें इसको थोड़ा ब्राइटनेस सेट करना है, इमेज को थोड़ा शार्प भी करना है, देन उसका कंट्रास्ट सेट करेंगे और कुछ सैचुरेशन भी हमें इसमें सेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा इमेज जो हमने खींचा है वो बिल्कुल क्लियर आए। ये सब चीजें होने के बाद हमें इस इमेज को सेव कर लेना है के अंदर। ये हमारी इमेज सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस सेव्ड इमेज को ट्रांसफर करना है अपने लैपटॉप के अंदर। वो आप किसी भी मीडियम से ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल रहे, चाहे ब्लूटूथ हो या किसी अदर ऐप के थ्रू। दोस्तों, जो इमेज को वहां पर क्लिक किया था उसको हमने अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया है। मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये वही इमेज है जो हमने वहां पर क्लिक की थी। अब इस इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है फोटोशॉप। दोस्तों, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहां से मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, उस इमेज को यहाँ से ड्रैग करना है और फोटोशॉप में ड्रॉप करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से यहाँ पर ये हमारी इमेज फोटोशॉप में आ गई है। अब इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आई प्रेस करें, कंट्रोल के साथ आई। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, आई का मतलब यहाँ पर इन्वर्ट होता है, तो आपकी इमेज नेगेटिव से कलर में इन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी डिजिटल में इमेज आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं चेहरे पर कुछ नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली जब पुराने टाइम में इन नेगेटिव्स को कन्वर्ट किया जाता था तो एक केमिकल का यूज किया जाता था जिसकी वजह से ये चेहरे इतने नीले नीले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम इसको भी साफ करेंगे।
तो इनको साफ करने के लिए हमें कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा, जो आपको बराबर में एक टूल बार दिखाई दे रही होगी, उस वहाँ से टूल का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इमेज को जूम इन करना है, तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। कंट्रोल के साथ हमने प्लस दबाया और जूम इन कर लिया। अब हमें यहाँ से हैंड टूल की हेल्प से फोटो को एडजस्ट करना है, तो हैंड टूल मैंने यहाँ से लिया, फोटो को हमने एडजस्ट किया। देन अब हमें जो यूज करना है वो है डोज टूल। डोज टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ये डार्कनेस है इसको ब्राइटनेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये डोज टूल। तो मैं यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ये क्या कर रहे हैं, इमेज के ऊपर राइट क्लिक के थ्रू इसको घुमाना है। अब देख सकते हैं चेहरे पर काफी फर्क आने लग गया है। मैं हैंड पे भी कर देता हूं, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। अब मैं इसको जूम आउट करूंगा, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए। ये यहाँ पर जूम आउट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज के लिए कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो इमेज ऑप्शन में आपको जाना है, ऊपर इमेज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट्स में जाने के बाद आप यहां से इसको ऑटो कंट्रास्ट करिएगा, देन अगेन इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए और ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे क्लिक कीजिए। देन हम यहां से इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाएंगे। ये ब्राइटनेस हमने थोड़ा सा बढ़ाया और थोड़ा हम कंट्रास्ट भी बढ़ाएंगे। अब देख सकते हैं मेरे इमेज में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। ओके किया। अब फाइनल आता है हम इसको सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए फाइल में जाइए, यहाँ से सेव एज पर क्लिक कीजिए। लोकेशन देना पड़ेगा आपको, किस लोकेशन पे आपने सेव करना है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप दिया है। इमेज का नाम मैं रख देता हूँ कन्वर्टेड और देन सेव। इस सेव पर मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर मेरा इमेज जा चुका होगा। ये डेस्कटॉप पर यहाँ पर इमेज सेव हुआ है। मैं इसको यहाँ पर ओपन किया, ये हमारा कन्वर्टेड इमेज है। हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।